हरे कृष्ण। तो प्रार्थना में भाग लीजिए। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी के नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदान्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तवादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब भाग्यशाली हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण श्री धाम मायापुर में कर रहे हैं। जिस श्री धाम मायापुर को श्री प्रभुपाद ने कहा था हमारा पूजा का स्थान है, यहाँ की पूजा के प्रताप से पूरे विश्व में भागवत का प्रचार हुआ है और यहाँ श्रीमान पुरुषोत्तम लाल जी और पुष्पा देवी सिंघानिया जिनके चार पांच साल पहले 50 साल विवाह गांठ का हुआ, तो श्रीमती मीना देवी और नरेश जी सिंघानिया के हृदय में ऐसा भाव आया कि भागवत का
कथा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। फिर भी भगवान की कुछ इच्छा थी कि आगे उनकी पुत्री मेघना का शुभ विवाह सूर्य जी से और उनके पुत्र पुनीत का विवाह अनुषा से हुआ। तब भी उनके मन में यही विचार था कि हमें भागवत भगवान का शरण लेना चाहिए। और आज उनका ये जो भाव था वो साकार हो रहा है। और 5-6 महीने पहले उन्होंने इस कथा करने के लिए संगीता देवी और श्री गोपाल चांदोटिया जी से सलाह की और इस दास को ये सेवा के लिए सब अवसर प्रदान किया। तो हम मीना देवी और श्री ललित सिंघानिया और सारे उसके बंधु बांधव मित्र परिवार के जो भी आप भाग्यशाली भक्त यहाँ पधारे हैं, इस भागवत के हम 3 लक्ष्य रखते हैं। इस भागवत के श्रवण के हम 3 लक्ष्य रखते हैं। आप देखना के 7 दिन के सत्संग के उपरांत विशेष रूप से आपको अपने उचित लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि नहीं। पहला भागवत का विशेष लक्ष्य है श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भागवत का सत्संग सुनने वालों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जगाने के लिए करना चाहिए। ये आपके जीवन का पहला लक्ष्य है। इस भागवत के श्रवण से आपके हृदय में कृष्ण भक्ति जो पहले से तैयार पड़ी है उसको जगाना है। और व्यासदेव ने तो कहा है कि आगे जो भागवत की कथा करे उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सुनने वाले के हृदय में भगवान की भक्ति को जागृत करना। दूसरा लक्ष्य है इस परिवार का कि जो वृद्ध माता पिता और बुजुर्ग जो हैं उनका जीवन भगवत भक्ति में सुखपूर्वक बीते। और तीसरा लक्ष्य अब जो मैं देख रहा हूं, जब भागवत कथा कराते हैं तो प्रायः पुरानी परंपराओं के अनुसार मन में ये संकल्प भी होता है कि हमारे जो पितर, हमारे जो पूर्वज जिन्होंने हमारे लिए घर बनाए, जिन्होंने हमारे को जन्म दिया, हमें पढ़ाया, हमारे को योग्य संसार में बना के सेवा में लगाया, वो पितृ जहाँ भी हो इस भागवत की कथा का शुभ फल उनकी सदगति और भगवत चरणार प्राप्ति का लक्ष्य बने। तो इन 3 में से एक तो आप सबके लिए है कि ये कथा आपके हृदय में भागवत भक्ति कृष्ण भक्ति को जगाए। तब हम इस कथा के श्रवण को सफल मानेंगे। और ये आपको बताएंगे कृष्ण भक्ति करने के लिए कोई बड़ा विद्वान होना आवश्यक नहीं है। घर परिवार छोड़ना भी जरूरी नहीं है। आप जहां हो स्थान स्थित अपने जगह पे रहो। आपके पास भगवान ने जबान दी है, इससे कृष्ण भक्ति सब शुरू कर सकते। 2 ही काम करने हैं। जीभा के 2 काम है। पहला है जीभा से बोलना, तो आप भगवान का नाम अभी से ही बोलना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा जीभा का काम
भक्ति शुरू करने के लिए है जो शुद्ध शाकाहारी व्यंजन घर में पके वो भगवान को भोग लगे और परिवार को प्रसाद मिले, वो भी इस परिवार ने आप सबके लिए 3 टाइम प्रसाद की व्यवस्था की है, तो आपकी भक्ति शुरू आज से अभी से हो चुकी। भगवान का नाम लेना आप कथा में, जैसे हमारे ये ब्रह्मचारी यहाँ कीर्तन करते हैं, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, इससे हृदय पवित्र होगा। फिर कथा सुनिए, ये कीर्तन है नीम, किसी बिल्डिंग की नीम रखते हैं ना, ये पहला कीर्तन नीम है। आपकी भक्ति की नींद पड़ती है कीर्तन से, फिर आप जो कथा सुनेंगे वो पूरी बिल्डिंग भक्ति का भवन बनेगा, और फिर जो कीर्तन बाद में करेंगे पूर्ण आहुति के समय कथा आज की, वो कीर्तन आपके ऊपर प्लास्टर है, आपकी भक्ति का जो भवन बना वो अब चमकने लगेगा। तो ये 3 काम तो आपके रोज के भक्ति को भवन के निर्माण के हैं। दूसरा काम माता पिता के प्रति श्रद्धा, और उसके लिए आशीर्वाद देने के लिए भगवान को भागवत के रूप में बुलाना और उस भागवत का श्रवण करना, ये सबसे बड़ा मंगल कार्य है। और पितरों का उद्धार तो भागवत श्रवण से निश्चित रूप से होता ही है, ये भागवत के मार्गों में पहले से ही बताया गया है। मैं समझता हूँ हमेशा कुछ परिचय हमारा देने के लिए प्रतीक्षा कर रही है, परंतु हमारा परिचय यही है कि आपको कथा से भगवान की भक्ति प्राप्त हो, बस इससे ज्यादा हमारा कोई ज्यादा परिचय नहीं है। हम तो गोपी भरतहु पद कमल योर दास 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 अनुदास, भगवान श्री राधा माधव गोपीनाथ के भक्तों के चरणों के दासों के दास हैं, और विशेष रूप से श्री प्रभुपाद जी के इस हरे कृष्ण आंदोलन में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की ये मनोकामना थी कि भागवत मेरे स्वरूप को विश्व व्यापक वाणी में अनुवादित करके विश्व का कल्याण किया जाए, और इस कार्य को संपन्न करने के लिए श्री प्रभुपाद ने अपनी रातें 10 साल से अधिक 15 साल तक रातों में जाग जाग कर श्रीमद् भागवत को सरल विश्व व्यापक भाषा में उपलब्ध कराए, ये सबसे बड़ा श्री प्रभुपाद का विश्व को उपहार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं कोशिश करूँगी कि आपको इनके बारे में कुछ बता पाऊँ। प्रभु के असीम कृपा से उनका रथ के शुभ दिवस पे भागवत कथा का आरंभ करने जा रही हूँ। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, श्री साधुदास प्रभु जी की मुखार से कथा का स्पान करें। प्रभु जी का जन्म 6 फरवरी 1952 में एक पुष्काराना कृष्ण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके घर में राधा कृष्ण मंदिर 8 पीढ़ियों से पूजित था, जिनकी पूजा आज भी की जाती है। प्रभु जी ने सिद्ध यूनिवर्सिटी हैदराबाद MBBS की पढ़ाई खत्म की और कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिलोसफी की पढ़ाई पूरी कर मेडिकल कॉलेजेस में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। अध्यात्म स्कॉन आंदोलन की जानकारी उन्हें 1971 से थी, पर वे 1981 में सक्रिय रूप से स्कॉन आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने भगवद गीता का प्रचार पाकिस्तान में गीता सम्मेलन के जरिए राधानाथ स्वामी और
प्रभु जी गवर्नमेंट सर्विस से 1991 सेवा निवृत्त हुए। बॉम्बे चौपाटी में राधा गोविंद के नगर में 1992 से लेकर 1995 तक रहे, जहां उन्होंने मध्य के संचालन के कार्य को संभाला। प्रभु जी के पास दर्शन वहां कई बड़े कार्य हुए, जैसे कि वहां पे रथ यात्रा मेलन रथ मथुरा मेलन यात्रा का आयोजन हुआ। वहां पे 108 भक्त विभिन्न देशों से अपने देश की झंडा लेकर निकले। प्रभु जी ने कई को मेला के संचालन की संभाला को संभाला है, जहां उन्होंने लोकनाथ स्वामी को मन बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से आज हमें कुंभ में खुद की जगह प्राप्त है। 2001 से लेकर 2008 तक उनके कई प्रोग्राम सोनी और स्टार टीवी पर भी दिखाई गई है। अब प्रभु जी भक्ति शास्त्र भक्ति वेदांत के कई कोर्सेस को बढ़ाते हैं और वो पूरी दुनिया में जैसे मॉरिशियस पाकिस्तान और अन्य कई कंट्रीज में गीता का प्रवचन करते हैं। धन्यवाद अनुजा। हरे कृष्ण। तो आइए आज के भागवत की कथा का शुभारंभ करते हैं। परंपरागत भागवत की कथा शुरू करने से पहले भागवत के महात्म का वर्णन किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म 6 अध्यायों में पद्म पुराण में है और 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में है। अब एक प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण शिला व्यास देव ने सब शास्त्रों को प्रकाशित करने के उपरांत परिपक्व अवस्था में प्रकाशित किया, तो पहले जो पुराण लिखी गई उसमें भागवत का महिमा क्यों और कैसे? क्योंकि भागवत तो प्रकाशित हुई बाद में। वेद व्यास ने 4 वेद 17 पुराण 108 उपनिषद वेदांत सूत्र और महाभारत पहले ही प्रकाशित किया, तब नारद जी ने उनको भागवत को प्रकाशित करने के लिए प्रेरणा दी। तो बाद में आने वाले भागवत की महिमा पहले आने वाले पुराणों में कैसे? एक प्रश्न बहुत अच्छा है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले धरती पे अवतार लेके आए थे, उससे पहले थे कि नहीं थे और आज हैं कि नहीं है, इसका अर्थ भगवान पहले थे, अब हैं और भविष्य में रहेंगे। तो भागवत भगवान से अभिन्न है, भागवत और भगवान दो नहीं है, एक ही है। तो भागवत पहले था, अब है और सदा के लिए रहेगा। बस जैसे भगवान कभी प्रकट होते हैं कभी अप्रकट होते हैं, ऐसे भागवत भी कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है। और वैसे भी देखा जाए कि स्कंद की स्थापना से पहले भागवत एक दृष्टि से अप्रकट ही था, लेकिन श्री प्रभुपाद ने जैसे इसका अनुवाद किया तो जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उनके लिए सरलता से ये उपलब्ध हो गया। अब तो इसका अनुवाद और इसकी ट्रांसलेशन दुनिया की सब भाषाओं में उपलब्ध है। आज तो रशिया वाले भी भागवत पढ़ रहे हैं और चाइना वाले भी पढ़ रहे हैं। तो ये आप देखिए कि भागवत को विश्वव्यापक करना श्री कृष्ण की भक्ति को पूरे विश्व में ऐसे प्रचारित करने का श्रेय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति विनान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के इस स्कंद आंदोलन के द्वारा
संपन्न हुआ है। और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि उस स्थान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र मायापुर में हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करके निश्चित रूप से श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता को प्राप्त करके श्री पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त को प्रसन्न करेंगे और श्री राधा माधव और अष्टकों का गुणगान सुनेंगे। तो ये हमारे जीवन का अनुपम क्षण है, ऐसा सौभाग्य से कभी प्राप्त होता है और जिनको प्राप्त हुआ है वो धन्य है। तो आइए हम पहले महात्मा पद्म पुराण के महात्म को संक्षेप में आपको श्रवण कराते हैं। नारद जी भारत के सारे तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के लिए आए कली काल में, और तीर्थों के ऊपर धर्म कर्म को लुप्त पाया, धर्म कर्म छूट गया, अधर्म का बोल पाला था। नारद जी को चिंता हुई, तीर्थ के पवित्र होने के लिए जाया जाता है, तीर्थ में पवित्र नदियां होती हैं, तीर्थ में पवित्र शुद्ध भागवत भक्त होते हैं जिनसे हरि कथा सुन के अपना जीवन सफल किया जाता है। परंतु आज तीर्थों में चारों ओर वो पवित्रता शुद्धता और संतों का मिलन अलभ्य हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो नारद जी वृंदावन में आए, वृंदावन में आए तो नारद जी को भावराज में जो लक्ष्मी विराजमान भक्ति देवी, भक्ति आप दिखा नहीं सकते, भक्ति हृदय का भाव है, आप वैराग्य भी दिखा नहीं सकते हैं, ये भी आपका भाव है, और आप ज्ञान भी दिखा नहीं सकते हैं, ये भी आपकी उपलब्धि है। इन तीनों को नारद ने मूर्तिमान रूप में देखा। नव युवती भक्ति देवी वृंदावन में दो अपने बेटे ज्ञान और वैराग्य के साथ जो बूढ़े हो चुके थे, भक्ति के बेटे, भक्ति नौजवान थी, वो बेटे बूढ़े हो गए, और नारद जी ने ये देखा तो नारद जी को चिंता हो गई। पूछा, देवी आप कौन हो, आपके सामने ये दो वृद्ध पुत्र पड़े हैं, ये कौन है? तो वो नव युवती स्त्री कह रही है, मैं भक्ति देवी हूं, मेरा प्रकट्य दक्षिण भारत में द्रावण देश में हुआ, कर्नाटक में लोगों ने मेरा सम्मान किया, महाराष्ट्र में भी मैं पूजित हुई, गुजरात तक गई तो लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया, और मैं वृंदावन में आई तो नव युवती हो गए। तो भक्ति ने अपनी उत्पत्ति की गाथा सुनाई, जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है, भक्ति को पुनः मध्वाचार्य ने स्थापित किया उर्वी ने, भक्ति को स्थापित किया रामानुज आचार्य ने दक्षिण भारत के तिरुपति में, श्री रंगम में और सारे दक्षिण भारत में। तो भक्ति को कई काल में स्थापित मुख्य आचार्य ने किया, श्रीपाद रामानुज आचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य और श्रीपाद निम्बारक आचार्य और श्रीपाद विष्णु स्वामी, ये चार वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। आप यहाँ मायापुर में हैं, यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, योगपीठ कहते हैं, वहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद ने चारों आचार्यों के विग्रह
व्यवस्था स्थापित की है। आपको चारों इन आचार्यों के मूर्ति के दर्शन होंगे उस मंदिर में। आप जाएं तो निश्चित रूप से इन चार आचार्यों का दर्शन करना। ये भक्ति के आचार्य हैं। सो भक्ति देवी कहने लगी कि मैं वृंदावन में स्वयं तो नवयुवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग बूढ़े हैं। नारद ने कहा, मैं अगर भगवान नारायण का शिष्य हूं तो भक्ति आपके दोनों बच्चों को नौजवान बना के और आपका प्रचार जन जन तक और कण कण तक पहुंचाऊंगा, गांव गांव में, शहर शहर में और हर एक कान तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वचन है। और ये भी कहने लगे नारद जी, भक्ति देवी, भगवान ने धरती के ऊपर आपको मुक्ति दासी के रूप में दे दी थी। जिसको आप मुक्ति दें उसको मुक्ति मिलती थी। अब तो कोई मुक्ति चाहता नहीं है तो मुक्ति देने में खुद चली गई। आप चाहेंगे तो आएगी। और नारद जी ने उन बच्चों को हाथ से हिलाए ताकि जाग जाए, मुंह सकते आंख खोल के सो गए। नारद ने चार वेद पढ़ के सुनाए उनके कान में, बच्चे आंख खोले, आंख भगवत गीता सुनाई नारद ने, बच्चे जाग के फिर सो जाए। नारद को आश्चर्य हुआ, मेरे जीवन भर की सारी मेरी शास्त्र के ज्ञान, सारे मेरे शास्त्र के ज्ञान को इनको सुनाया, फिर भी ये बच्चे नवयुवक नहीं बने, जवान नहीं बने, तो हिलाने का अर्थ क्या है? कर्म, कर्म से कोई भी ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। गीता सुनाना और वेद सुनाना ज्ञान है। ज्ञान से भी कलयुग में किसी के हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। तो नारद जी चिंतित होकर अपने गुरु स्थान चले गए। नारद जी का गुरु स्थान कौन सा है आज आप याद कर लेना, बद्री नारायण। जो बद्री आश्रम है ना, वहां जो भगवान नारायण है वो नारद जी के गुरु हैं। आज भी आप में से जो भाग्यशाली बद्रीनाथ का दर्शन करके आए हैं तो वहां तप्त कुंड के पास में नारद शिला है। नारद जी वहां नारद शिला के रूप में विराजमान है। और 6 महीने जब बद्रीनाथ बंद होता है तो देवता और नारद पूजा करते हैं। 6 महीने मानव की पूजा होती है। सो नारद जी विशाला नगरी कहे, विशाला नगरी का मतलब बद्रीनाथ, और अपने भगवान आराध्य नर नारायण को प्रार्थना किया कि मैं भक्ति को वचन देकर आया हूं, उनके बेटों को मैं नवयुवक कर दूंगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं, मुझसे सब कुछ प्रयास किया, बच्चे नहीं हुए। तो भगवान ने कहा, संतों से मार्गदर्शन मिलेगा। इससे एक बात आज याद कर लो जीवन में, भगवान की भक्ति भगवान स्वयं किसी को नहीं देते। ये बात आप पक्की करके पले बांध लो, भगवान अपनी भक्ति किसी को अपने आप स्वयं नहीं देते। भक्ति हमको भगवान के भक्तों से मिलेगी। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अरे भगवान भक्ति दें तो सबको दें या किसी को नहीं दें? किसी को दें, किसी को नहीं दें तो भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लगेगा। तो भगवान ने कह दिया, आपका मार्गदर्शन संत करेंगे, भक्त करेंगे, साधु करेंगे।
वैसे कि आप देखो दुनिया के अंदर भगवान तो सब जगह है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अमेरिका का अलग भगवान है, कि रशिया का अलग भगवान है, कि चाइना का अलग भगवान है। अरे भगवान श्री कृष्ण का एक शिष्य ये सूर्य देव, ये सूर्य नारायण, ये अमेरिका को भी रोशनी देता है, चाइना को भी देता है, रशिया को भी देता है, भारत को भी देता है। किसी का अलग सूर्य है क्या दुनिया में? एक ही सूर्य है ना, तो एक भगवान सब जगह है ना, तो फिर सबके पास भक्ति क्यों नहीं? अरे प्रभुपाद जैसे भक्त गए तब दुनिया में भक्ति का जन्म हुआ, तो भक्त ही भक्ति दे सका। भगवान होते हुए भी भगवान किसी को भक्त नहीं बना, भक्त को बनाता है भक्त, भक्त बनाता है भक्त। भक्ति जन्म है के भक्त संगे, भक्ति का जन्म भक्त के संग में होता है। इसलिए सबसे दुर्लभ इस दुनिया में भक्त का संग। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुनिया में सबसे दुर्लभ है भक्त का संग। और ये मिल जाए तो आपके जन्म में समझो कि भगवान प्रसन्न हुए। किसी के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए उसका पता कैसे लगेगा? उसका पता लगेगा उसको भक्त का संग मिला। जिसको मिला भक्त का संग वो समझ लें कि भगवान उसके ऊपर प्रसन्न है। आप इतने सब हो यहां बैठे हुए, चाहे माध्यम सिंघानिया परिवार बना, परंतु मायापुर धाम में आपको आने का सौभाग्य तो मिला। इतने सारे यहां भक्त रह रहे हैं उनका संग मिला और हरि कथा मिल रही है, तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है ये आप मान लीजिए और जान लीजिए। अब भगवान प्रसन्न है आपको सब सुविधाएं दे दी, गंगा जी का तट दे दिया, गंगा जी के तट पे बैठे हैं, ये जाह्नवी गंगा भागीरथी के तट पे बैठे हैं, ये विष्णुपति है, भगवान विष्णु का चरणामृत है पूरी गंगा, इसने भगवान का चरण धोया है, और विश्व पूरे के केंद्र इस नवदीप धाम में भगवान श्री राधा माधव, माधव लक्ष्मीपति को कहते हैं। माधव का मतलब होता है नाम, मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति, लक्ष्मीपति। दुनिया सारी, दुनिया सारी लक्ष्मी चाहती है, दुनिया सारी लक्ष्मी चाहती है, दुनिया में आप भी चाहते हैं ना, तो लक्ष्मीपति यहां है माधव। परंतु एक बात का ध्यान दीजिए, आज याद कीजिए, लक्ष्मी महारानी के दो वाहन हैं जिसके ऊपर चढ़ के आती है। जब लक्ष्मी नारायण के साथ आती है तो गरुड़ के ऊपर चढ़ के आती है, और जब लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर चढ़ के आती है तो आपको शास्त्र की नीति से धन सम्मान मान प्रतिष्ठा देती है। आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, गुरु ब्राह्मण की सेवा करेंगे, ये लक्ष्मी आपसे ये काम कराएगी। आप देखो इतना बड़ा ये भवन बने हुए हैं, ये सब किसी भाग्यशाली की लक्ष्मी से बने हैं ना, ये तो ब्रह्मचारी लाल कपड़े में बैठे हैं, ये तो कोई दुकान नहीं चलाते, धंधा नहीं करते। तो आपका धन यहाँ इतने बड़े भवन मंदिर बनने में लगा के नहीं लगा, ये लक्ष्मी आई है गर्भ के ऊपर चढ़। जब लक्ष्मी अकेली आती है, नारायण साथ नहीं होते, तो उनका वाहन होता है उल्लू, कौन सा? और जब उल्लू के ऊपर चढ़ी हुई लक्ष्मी आती है तो जिसके पास धन आता है उसको अंधा कर देती है, जैसे उल्लू अंधा है। वो धन आदमी को उल्लू का पट्टा बना दे, वो आदमी रात को जागेगा, अयाची करेगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं करेगा,
धर्म का पालन नहीं करेगा, माता पिता को घर से निकाल देगा, ऐसे भी आपको बहुत उधार मिलेंगे, धनवान बन मिलेंगे, लेकिन भाग्यवान नहीं मिलेंगे। भाग्यवान जो है वो है जिसके पास गरुड़ के ऊपर लक्ष्मी आई, धनवान वो है जिसके ऊपर उल्लू के ऊपर लक्ष्मी आई। अब आप देख लो आपको कौन सी लक्ष्मी चाहिए, कौन सी लक्ष्मी चाहिए। जैसे धर्म के काम हो, जिनसे गौ ब्राह्मण की सेवा हो, जैसे संत की सेवा हो, ये लक्ष्मी आपको अमर बना के जाएगी। नहीं तो लक्ष्मी चंचल है, गरुड़ वाली आज आई कल चली गई। एक और नाम है लक्ष्मी का, दौलत। सुना है आपने दौलत? दौलत जानते हो ना, दौलत का मतलब 2 लाख। पहले जब आती है कमर पे लात मारती है, आदमी समझता है मैं बड़ा हूं सबसे, सब मेरे नौकर हैं, लेकिन जाती है पता नहीं लगता है, दूसरी कंधे के ऊपर लात मारती है और ऐसे झुक जाता है, सब चला गया। ये उल्लू की लक्ष्मी, ये गरुड़ की लक्ष्मी नहीं। सो बद्री विशाल की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र 4 कुमार सनक आदि नारद को मिलते हैं विशाला नगरी में। सनक, सुनंदन, सनातन, ये 4 भाई ये ब्रह्मा के पहले मानसिक पुत्र हैं, प्रहलाद ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए और सबसे पहले इस दुनिया में ये ऋषि पैदा हुए हैं जिनको भगवान का ज्ञान का अवतार कहते हैं। ये 4 आदमी 5 साल की आयु में है, बड़े हुए हैं। ये नारद जी को देख के कहने लगे, देव ऋषि आप जहां जाते हैं हरि गुण गाते हैं, सब सुखी होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, आज आप ही चिंता में क्यों, आप परेशान क्यों दिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, भैया बड़े भाई हैं, हे कुमार, मैं भक्ति देव को वचन देकर आया कि उनके पुत्र को नवयुवक करूंगा। मैंने गीता और वेद पढ़ के सुनाए, नहीं जाने, और भगवान मेरे आराध्य देव नारायण ने कहा है कि संतों से मार्ग मिलेगा, आपसे बड़ा संत और कौन हो सकता है, कृपा करके बताइए। 4 कुमार मुस्कुराने लगे, कहा, नारद आपको सब मालूम है, आपको सब ज्ञात है, सब पता है, आप क्यों चिंता कर रहे हो। अरे उनको भागवत सुनाई होगी ना। नारद ने कहा, वेद और भागवत में अंतर ही क्या है, मैंने वेद तो सुना है। तब 4 कुमार कहते हैं, भागवत वेदों का पका हुआ फल है, वेद है वृक्ष, वेद है पेड़ और उसका पका हुआ फल है भागवत। अब मैं आपसे पूछूं, आम के पेड़ को काटने से आम का रस मिलेगा? आम में जब फल पकेगा जून में जुलाई में तब फल मिलेगा, आम के पेड़ को काटने से आम का जूस नहीं मिलेगा, ऐसे वेदों से रस नहीं मिलेगा। वेदों के पके हुए फल भागवत से रस मिलेगा, भागवत रस का शास्त्र है। आज एक और दूसरा सिद्धांत सुन लें, वेद की तुलना दी गई है समुद्र के समान, वेद समुद्र के समान है, अथाह है, परंतु मैं आपसे पूछूं, भला समुद्र का पानी कोई पी सकता है क्या, पी सकता है, नहीं। अच्छा, समुद्र के पानी से खेती हो सकती है, नहीं, तो किस काम। अब उसी समुद्र के पानी को सूर्य देव
तब पी सकते हैं ना, तब तो खेती भी हो जाएगी ना। तो खारे पानी को मीठा करने का काम किसने किया? सूर्य देव ने। और सूर्य भगवत गीता को सुनने वाला भगवान श्री कृष्ण का पहला शिष्य है। इसका अर्थ ये है कि वेदों से किसी को ज्यादा कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु वेदों को जानने वाले महात्माओं से जब वेदों का सार पका हुआ फल भागवत के रूप में मिलेगा, तब आपकी प्यास बुझेगी, तब आपकी भक्ति की खेती और भक्ति की लता बढ़ेगी। और फिर चार कुमार ने कहा हम भागवत कथा करते हैं, चलो कहां चले? हरिद्वार, जहां सप्त ऋषि आश्रम है, गंगा सात धाराओं में बट जाती है, और यहां भी गंगा आठ धाराओं में बटी हुई है और नौ द्वीप बने हुए हैं। ये नौ द्वीप है, द्वीप का मतलब जमीन का टुकड़ा पानी से घिरा हुआ। तो हम जहां आए हुए हैं ये क्षेत्र नवद्वीप है, ये गंगा आठ धाराओं में बट के और नौ द्वीप बनाए। ऐसे हरिद्वार में गंगा ने सप्त ऋषियों के लिए सात धाराओं में बट गई है। वहां ये कथा का आयोजन किया और कथा बोलने वाले बड़े भाई सनक ऋषि थे, नारद जी यजमान बने, संत महात्माओं को प्रार्थना करके ले आए, कथा शुरू हुई। ये कथा कहां हो रही है? हरिद्वार में। कथा का शुभ आरंभ हुआ, महात्म पूरा हुआ, एक नव युवती वहां प्रकट हो गई, साथ में दो नौजवान बच्चे। पूछने लगी, महाराज मैं कहां बैठूं, मेरा आसन कहां है? सनक आदि ऋषियों ने कहा, देवी आप कौन हो? कहा मैं भक्ति देवी हूं, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो सनक आदि ने कहा, अगर आप भक्ति हो तो आपका आसन भक्तों का हृदय है, जाओ भक्तों के दिल में बैठ जाओ, ये भक्ति आपके आभूषण है। और उस वक्त उस कथा में ज्ञान और वैराग्य नृत्य करने लगे। ये जो भक्ति से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है वो हरि नाम संकीर्तन में नृत्य करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जो सूखा ज्ञान है और वैराग है सन्यासियों का, वो नृत्य नहीं कर सकते। श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य अच्युतानंद स्वामी, वो पहले बंगाल में आए थे, बंगाली सीखे थे और सारे बंगाली भजनों को अंग्रेजी में लिखा है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है ब्लेजिंग साधु, इसका मतलब चमचमाता हुआ चमकता साधु। उसने बोला ये साधु वैरागी भी है, ज्ञानी भी है, परंतु कीर्तन में नृत्य करता है। और कहा ये है श्रीला प्रभुपाद। अब श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में भागवत के ज्ञान को और संसार के वैराग्य को साथ लेकर अमेरिका गए और अमेरिका में नृत्य करने लगे। और उस नृत्य को देखकर लाखों नवयुवक कृष्ण भावना के हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर झूम झूम के नाचने लगे। तो ये जो भक्ति का ज्ञान और वैराग्य है, ये आनंद में मगन होकर नृत्य करता।
अब एक और सिद्धांत हम आपको बताना चाहेंगे। श्री प्रभुपाद ने कहा हमने इस्कान की स्थापना की है लोगों को सुखी करने के लिए। तो हमने सोचा कि जब लोग सुखी होते हैं तो क्या करते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं, आपके घर में कोई खुशी का मौका हो, बहुत खुशी है, सुख है, तो आप लोग क्या करते हैं? आपके घर में शादी है, विवाह है, जन्मदिन है, उस खुशी को कैसे मनाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या करते हैं भाई? कुछ गाते हैं, कुछ खाते हैं और नाचते हैं, यही करते हैं और कुछ करते हैं? यही करते हैं ना भाई शादी। अब मैं कटाक्ष में कह रहा हूं, पहले हमारे घर में शादी होती थी तो नाचने वाले बुलाते थे नाचने के लिए, और घर की माताएं रसोई बनाती। अब उल्टा हो गया, रसोई बनाते हैं बाहर वाले और घर वाले नाचते हैं। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? ये परंपरा उल्टी हो गई। नाचने वाले किराए के मंगाते थे और भोजन हमारी माँ बेटी बहन बनाती थी प्रेम से। अब भोजन बनाते हैं बाहर वाले और नाचती है बहू बेटी। ये भारतवर्ष की मर्यादा नहीं है। अपने घर में नाचो ठीक है, रोड के ऊपर घोड़ी के सामने घर परिवार का नाचना मर्यादा नहीं है। ये तो सबके साथ लगता है, क्या करें, नहीं कहना चाहिए लेकिन कह रहे हैं। पहले भोजन घर में करते थे और शौच के लिए जंगल में जाते थे, अब खा के बाहर से आते हैं, कचरा सारा घर में करते। ये बात समझ में आ रही है कि कितनी उल्टी हो गई है हमारा सभ्यता? पानी फिर गया है कि नहीं फिर गया? पहले हमारी सभ्यता में पहली चूल्हे से उतरने वाली रोटी गाय के लिए होती थी और आखिरी रोटी कुत्ते को देते थे। अब कौन सा घर है जिसमें पहली रोटी गाय के लिए जाती है? और चार पांच सात आठ हाथ ऊपर है, बड़े धर्मात्मा हो, बहुत अच्छा है, लेकिन गाय मिलती कहाँ है आपको? इसका मतलब लोग गाय गाय पालते नहीं है, छोड़ देते रोड पे रोटियां खाने के लिए। अरे गाय माता है, अपनी माता को गलियों में क्यों भटकने के लिए छोड़ दिया? दूध निकालते हो तुम और रोटी खिलाए दूसरे, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अरे नाराज नहीं होना, प्राय सब घरों में पहली गरम गरम रोटी किसको खिलाते हैं ये मेरे को बताओ? गाय वालों को छोड़ो, बाकी सब किसको खिलाते हैं? पति देव गरम रोटी खाए तो क्या होगा? बेचारा गऊ की तरह चुप रहेगा। आपके लिए चिंता मुक्त हो गए, आपने काम कर दिया गया। और आखिरी वाली रोटी कौन खाता है मैं नहीं बताऊंगा, जो खाएगा कुत्ते की रोटी वो सारा दिन भोगता रहेगा। आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए, ये मर्यादाएं मत भूलो। ये शास्त्र हमारे को, देखो चार शब्द हैं, शास्त्र, शस्त्र, शासन और शिष्य, ये सब एक जगह से निकले। शस्त्र काहे के लिए है, हथियार काहे के लिए है? लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कहीं कोई अन्याय ना हो, न्याय को रखने के लिए हाथ में अस्त्र उठाते हैं। शास्त्र काहे के लिए है? हमको धर्म के मार्ग में चलाने के लिए, पथ भ्रष्ट होने से बचने के लिए। और शासन काहे के लिए है? सुचारू रूप से निर्वाह करें लोग इसके लिए। और शिष्य किसको कहते हैं? डिसिप्लिन, डिसाइपल का मतलब जो डिसिप्लिन में रहे, मर्यादा में रहे। तो शास्त्र को मर्यादा में रखता है। शास्त्र ने कहा विवाह संस्कार है,
एक पत्नी से विवाह करके अपने जीवन का निर्वाह करो तो कितनी बड़ी जीवन में पतन से बचाने का रास्ता बता दिया शास्त्र ने, बताओ। इसलिए पत्नी शब्द का अर्थ क्या है, पति शब्द का अर्थ क्या है? पाप्यते इति पति, जो अपनी पत्नी का और उससे उत्पन्न होने वाले संतान का पालन पोषण करे उसको कहते हैं पति। और पत्नी कहते हैं उसको जो अपने पति को पतन होने से बचाए, गिरने से बचाए, उसको सुरक्षा में रखे। ये संस्कृत में इन शब्दों के अर्थ है। अब तो हमने पति का अर्थ तो चाय की पति समझ रखा है कि भतों का उबालो और छानो और फेंक दो। ये संसार का समस्या बदल गई है सारी। पात्यते की पति, और जो पतन से बचाए वो पत्नी। सो ये ज्ञान और वैराग्य नृत्य कर रहे हैं। कथा की जब पूर्णा होती हुई तो सुखदेव महाराज भी आए, इंद्र भी आए, अर्जुन भी आए। बहुत बड़ा नाम संकीर्तन हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय सुखदेव महाराज की जय हो। अच्छा जय जयकार होने लगे। फिर कहते हैं ये तो बहुत पुरानी कथा है, कोई नया ताजा भागवत का चमत्कार सुनाओ। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं तुंग भद्रा नदी के किनारे पे। तुंग भद्रा नदी सुना है, कहाँ है? किष्कंधा में है, हम्पी के पास। किष्कंधा कहाँ है? जहां राम जी सबरी से मिले और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव और राम का मिलन हनुमान जी ने तुंग भद्रा नदी के तट पे कराया था, और उसके दूसरे तट के ऊपर ऋषिमुख पर्वत है जिसके ऊपर सुग्रीव अपने चार मंत्रियों के साथ बैठा था। वहां एक ब्राह्मण रहता था आत्मदेव, और उसकी पत्नी थी धुंधली, जो धर्म के ऊपर नहीं चलती थी। ब्राह्मण को कोई पुत्र संतान नहीं था। एक ऋषि को, साधु को, महात्मा को प्रार्थना की कि हमारे घर में पुत्र संतान होना चाहिए। साधु ने एक फल दे दिया कि अपनी पत्नी को खिलाओ, अगर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो तुम पुत्रवान बनोगे। आत्मदेव ने वो फल लाके अपनी पत्नी को दे दिया। धुंधली ने कहा मेरे को गर्भ धारण नहीं करना है, कौन पीड़ा उठाएगा। उसने फल गाय को खिला दिया। पति को धोखा देने के लिए अपनी एक सहेली जो गर्भवती थी उसको कहा कि तेरा बच्चा होगा, मेरे को गोद में दे देना, और स्वयं पेट में कपड़ा घुसा के और कह रही थी मेरे को गर्भ हो गया। समय आने के ऊपर गाय ने जो फल खाया था महात्मा का दिया हुआ, उसको तो एक पुत्र हुआ गोकर्ण नाम से। कान जरा बड़े थे गऊ की तरह, और बड़े कान उस जिसके होते हैं उसको भगवान की कथा ज्यादा सुननी चाहिए। और धुंधली ने अपनी सहेली के घर में बेटा हुआ उसको घर में लाई कि मेरा पुत्र हो गया, और कहा कि मेरा दूध तो आया नहीं है, मेरी सहेली है उसको बुलाती हूँ वो दूध पिला देगी, और उसको बुला दिया बच्चे को दूध पिलाने के लिए। नाम रखने का समय आया तो आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो तेरे पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रख ले। बोला क्यों? तेरे नाम के पीछे क्यों? मेरे नाम के पीछे? मैं धुंधली, ये धुंधकारी, ये अज्ञान और अंधार का, अंधकार का पुतला, ये बड़ा हुआ पहले नंबर का बदमाश। वेशाओं के साथ गमन करने लगा, मदरा पीने लगा, चोरी डाका डालने लगा, अपनी माँ दुखी होके कुएं में गिर गई, और बाप को गोकर्ण ने कहा
दसम स्कंद भागवत का पाठ करके भगवान का भजन करो, घर को छोड़ के चले जाओ, पिता भी चले जाओ, गोकर्ण भी भगवान के भजन के लिए चले गए। इस धुंधकारी ने चोरी की राजा के घर से, पांच वैश्या पत्नियों ने कहा कि राजा ने पकड़ा तो हमको भी जेल में डालेगा, हम तो आई है मौज उड़ाने के लिए, मरने के लिए थोड़ी आई है। इसलिए अपने पत्नी को धुंधकारी को मार दिया, मार के खट्टे में डाल दिया और सबको बता दिया हमारा पति परदेश गया है। ये बेचारा पापी जो मरा वो प्रेत बना, बड़ा भूत बना, और गोकर्ण अपने घर में आया तो इस अपने भाई को भूत के रूप में देखा, कभी भैंसा बन रहा है, कभी गधा बन रहा है, अरे कौन हो तुम? बोला भैया मैं तेरा भाई हूं, दुर्गकारी हूं, मेरी बहुत बुरी दशा है, मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, मेरा उद्धार कर मेरे भाई। गोकर्ण ने कहा मैं गया में सबका उद्धार करके आया हूं पितरों का। बोला हम गया से उतरने वाले नहीं है, हम बहुत बड़े पापी हैं, आप हमारे लिए कुछ करो। गोकर्ण ने भगवान सूर्य देव की आराधना की, सूर्य देव ने कहा भागवत का पाठ सुनाओ। आपको एक बात सूर्य देव की बताई, वो बताओ कौन सी बताएगी पहले? सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता के शिष्य। अब एक दूसरी बात सूर्य देव की आपको दूसरी बात बताता हूं, याद रखना, ये बजरंग बली हनुमान, ये सूर्य देव से एक साल तक विद्या प्राप्त की है। हनुमान जी सूर्य का शिष्य है, और गुरु दक्षिणा जब सूर्य ने मांगी तो हनुमान ने कहा जो कहो तो दे दूं गुरु जी। तो सूर्य देव ने कहा मेरा बेटा सुग्रीव, उसकी सदा के लिए तुम रक्षा करना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। इसलिए हनुमान सुग्रीव के साथ सदा रहा। अच्छा, सूर्य देव की एक तीसरी बात याद याद करते चलो। सूर्य देव की एक पुत्री है यमुना महारानी, जो भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है। और एक और भयानक बात भी सूर्य की सुनी, सूर्य देव का पुत्र शनि देव है जिससे सब लोग डरते हैं, ये भी सूर्य का पुत्र है। एक बार शनि देव और लक्ष्मी देवी दोनों चले गए भगवान विष्णु के पास, कहा हम में से आपको अच्छा कौन लगता है? अरे भगवान कहे दोनों ही मेरे हैं, अब किसको कहूं कौन अच्छा लगता है कौन अच्छा नहीं लगता है? बोला फिर भी बताओ। तो भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी तुम जब आती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, और सूर्य तुम जब जाते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, सूर्य उतरे तो अच्छा लगता है और लक्ष्मी आए तो अच्छी लगती है, दोनों ही अच्छे लगते हैं। हरे कृष्णा। कथा क्या कर रहे थे, कहां है कथा? गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया, एक बांस का लकड़ा लगा दिया, उसमें सात गांठ थी। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली गांठ टूटी, सातवें दिन की कथा में सात गांठ टूटी और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में वैकुंठ के विमान के ऊपर चढ़ के जाने लगा। गोकर्ण ने हाथ जोड़ के कहा सुनो विमान के चलाने वाले नंद सुनंद, कथा तो सबने सुनी, वैकुंठ तो एक के लिए आया विमान क्यों? तो बहुत अच्छी बात कही वैकुंठ के पार्षदों ने कि कथा में आते सब हैं, लेकिन कथा को सुनता कोई कोई है, सब सुन नहीं पाते, और जब सब सुन नहीं पाते हैं तो सबका हृदय शुद्ध होता नहीं है, तो भगवान के धाम जाने के लिए उनके लिए समय लग जाता है। गोकर्ण ने कहा नहीं, मेरी कथा में सबका उद्धार होना चाहिए,
बोले दूसरी कथा करा लो, इस कथा में तुम एक का उद्धार हुआ। तो ये दूसरा प्रमाण है कि भागवत पितरों का उद्धार करता है। तब गोकर्ण ने दूसरी कथा रखी और उस कथा के अंदर जितने कथा सुन रहे थे सबके लिए वैकुंठ से विमान आया। और जब सबके लिए वैकुंठ से विमान आया तो जैसे भगवान रामचंद्र सरयू में जाते हुए सारे उत्तर कोशल को अपने धाम ले गए, ऐसे गोकर्ण ने भागवत के माध्यम से सबको भगवान के धाम की प्राप्ति कराई। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको संक्षेप में स्कंद पुराण का महात्म सुना। इस महात्म से आपने क्या विशेष ग्रहण किया? ये भागवत हृदय में भक्ति को नवयुवती बनाकर ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि करता है। भागवत पापी से पापी का भी उद्धार करके भगवान का धाम प्राप्त कराता है। अब हम स्कंद पुराण के महात्म का थोड़ा श्रवण करने जा रहे हैं। स्कंद पुराण में लिखा है भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम से अपने गोलोक धाम चले गए तो पांडवों ने भी राजपाट का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट बनाया। तब मथुरा का राजा बना वज्रनाभ। ये वज्रनाभ कौन है? भगवान श्री कृष्ण के रुक्मणी से पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का पुत्र है वज्रनाभ। तो भगवान श्री कृष्ण का पर पोता। तब एक बात और सुन लीजिए, जब सारा यदुवंश ब्राह्मण के शराब से, ब्राह्मणों के शराब से और गंधासी के शराब से नाश हो गया तो वज्रनाभ कैसे बचा, उद्धव कैसे बचा? ये भी तो यदुवंशी है। तब दो बातें याद करो। पहली बात, ब्राह्मण का शराब बहाना था, इच्छा भगवान श्री कृष्ण की थी कि सारे देवताओं को जो यदुवंश में आए थे देवलोक भेजे। और दूसरी, विशेष रूप से उद्धव जी ने वृंदावन में गोपियों की सेवा की थी और राधा रानी की कृपा प्राप्त की थी, इसलिए भगवान ने उद्धव मुझसे जरा बराबर भी कम नहीं है। और भगवान अपने प्रतिनिधि के रूप में उद्धव को धरा धाम के बद्रिक आश्रम में छोड़ गए। आज भी बद्रिक आश्रम में उद्धव जी भगवान का प्रतिनिधि है। और वज्रनाभ जब अपनी मां के गर्भ में था उस समय द्वारका से सब यदुवंशी रानियों के साथ कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के लिए आए। उस सूर्य ग्रहण के समय वृंदावन से नंद बाबा भी बैलगाड़ियों में यशोदा गोपियों और राधा के साथ कुरुक्षेत्र गए थे। कुरुक्षेत्र में राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, नंद यशोदा और कृष्ण बलराम का मिलन हुआ। अब रथ यात्रा का समय चल रहा है और रथ यात्रा का भी शुभ आरंभ गोपियों ने कृष्ण के रथ को खींच के कुरुक्षेत्र में किया है कि आपको वृंदावन ले जाएंगे। सो रथ यात्रा का मतलब है भगवान श्री कृष्ण को
द्वारका से वृंदावन ले जाना। जो द्वारका, जो जगन्नाथपुरी का नीलाचल नीलाद्री के ऊपर मंदिर है वो है द्वारका। वहां भगवान को 56 भोग लगते हैं और उसके सामने रथ यात्रा में 8 दिन तक गुंडीचा मंदिर में जाते हैं वो है वृंदावन धाम। 100 वज्रनाभ की मां, वज्रनाभ अभी गर्भ में था, बहुत ज्यादा गोपियों और राजा रानी की सेवा की। राजा रानी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री तुम्हारा पुत्र ब्रज का राजा बनेगा और ब्रज की सारी कृष्ण की लीला स्त्रियों को पुनः निर्माण करेगा। और वो वज्रनाभ जन्म हुआ और मथुरा का राजा बना। जब मथुरा का राजा वज्रनाभ था तो मथुरा में कोई व्यक्ति नहीं था, बंजर पड़ा था, क्योंकि जरासंध ने सब तहस नहस कर दिया था और भगवान के साथ सारे गोप ग्वाल बाल नंद ये सब विमान में चढ़ के भगवान के धाम से निकले थे, खाली पड़ा था बिल्कुल। परीक्षित महाराज मिलने आए, कहा वज्रनाभ न सेना की चिंता करना, हमारी सेना रक्षा करेगी, न कोष की चिंता करना, हमारे कोष से आपका निर्वाह होता रहेगा, बस आप यह राज करो। वज्रनाभ ने कहा, मैं भी यदुवंशी कृष्ण के कुल का हूं, अपनी रक्षा कर सकता हूं, किसकी राज किसके ऊपर करूं, फिर जा ही नहीं है। तो सांडिल्य ऋषि के पास चले गए जो नंद बाबा का पुरोहित। नंद बाबा के पुरोहित का नाम क्या है? सांडिल्य ऋषि। अच्छा, पांडवों के पुरोहित का नाम क्या है? धौम्य ऋषि। राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज के पुरोहित का नाम क्या है? भागुरी ऋषि। वसुदेव यदुवंशियों के पुरोहित का नाम क्या है? गर्गाचार्य। अरे भाई, पहले सब कुलों में एक पुरोहित हुआ करता था, उसको कुल पुरोहित कहते हैं। अब किसी के पास कुल पुरोहित नहीं है, सबके पास फैमिली डॉक्टर है लेकिन फैमिली पुरोहित नहीं है। यह है कलयुग का दूसरा दुष्प्रभाव, है कि नहीं? सो सांडिल्य ऋषि ने कहा, भगवान की लीला 2 प्रकार की होती है, एक नित्य लीला जो आज भी हो रही है और वो वास्तविक लीला है, वो नित्य है, वो सदा होती है, और दूसरी लीला को कहते हैं व्यवहारिक प्रकट काल की अवतार वाली लीला। तो कृष्ण की अवतार वाली लीला तो अब समाप्त हो गई, परंतु नित्य लीला तो रोज हो रही है, तो अवतार वाली लीला आती कहां से है? नित्य लीला से अवतार लीला आती है, और अब फिर अवतार लीला सुनने से क्या लाभ है? ये जो हम भागवत पढ़ रहे हैं ये अवतार की लीला है। बोला इससे लाभ क्या है? बोला ये अगर आप सुनोगे तो नित्य लीला में प्रवेश करने के अधिकारी बनोगे। तो भागवत सुनने से भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का शुभ अवसर मिलता है। हरि बोल। अब सांडिल्य ऋषि ने कहा कि भगवान की सारी लीला स्थलियों का आप वृंदावन में निर्माण कराओ। परीक्षित महाराज ने सब काम करने वाले धन दे दिया और वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण के लीला के स्थान, खास करके मैं आपको बोलूं विशेष रूप से, वज्रनाभ ने
वज्र कुंड बनाया जो आज श्याम कुंड के नाम से गोवर्धन में है। ये वज्र नाभ का बनाया हुआ है। वज्र नाभ ने ब्रज में गोविंद देव की स्थापना की, गोविंद देव का मंदिर बनाया, हर देव का मंदिर बनाया। तीन देव है, गोविंद देव, हर देव, केशव देव। जन्मभूमि के ऊपर केशव देव है। और तीन नाथों का मंदिर बनाया, गोपीनाथ, गोवर्धन नाथ, जो आज पूजित है उदयपुर के पास नाथ द्वारा में। ये सारे विग्रह वज्रनाभ ने बनाए थे, जो आज भी धरती के ऊपर आप देख सकते हो। गोपीनाथ, गोवर्धन नाथ, और तीसरा नाथ कौन सा? और वृंदा देवी का मंदिर बनाया, कौन सा? मदन मोहन जी की स्थापना कराई। ये आदि विग्रह है वृंदावन के, वज्रनाभ के समय से बने हुए। फिर कुंड बनाए, फिर बहुत लीला स्थान बनाए। अब कथा में थोड़ा मोड़ आता है। मोड़ ये आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन भगवान की रानियों को लाए थे, वो सब वृंदावन में रह रही थी। परीक्षक की माता उत्तरा भी वृंदावन में रह रही थी। जब ये सारी मूर्तियां बनी, विग्रह बने, तो उत्तरा माँ ने कहा, ये साक्षात जब गोविंद देव का विग्रह बन गया ना, गोविंद देव, तो उत्तरा ने कहा, इसका मुख साक्षात श्री कृष्ण जैसा है। गोपीनाथ का विग्रह बना तो माँ उत्तरा ने कहा, इसका वक्ष स्थल साक्षात कृष्ण के वक्ष स्थल जैसा है। मदन मोहन का विग्रह बना तो कहा, इसके चरण साक्षात श्री कृष्ण के चरणों जैसे हैं। और ये तीन विग्रह आज भी मदन मोहन करौली में है, गोविंद देव और गोपीनाथ जयपुर में है। जो एक दिन में इन तीनों का दर्शन करता है, साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन होता है। आप लोगों ने अगर किया है तो भाग्यशाली है, नहीं तो हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप वृंदावन में आइएगा। सुबह आपको मंगल आरती के बाद पहले मदन मोहन का करौली में दर्शन भगवान के चरणों का कराएंगे, फिर गोपीनाथ और गोविंद देव का जयपुर में दर्शन करेंगे। ये एक दिन में हो जाएगा। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गौरिया वैष्णवारा प्रेरण धन, ये प्राण धन है। ये चेतन महाप्रभु के अनुयायियों के ये तीन विग्रह प्राण धन है। मदन मोहन संबंध विग्रह है। भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो मदन मोहन का श्रम लेना पड़ेगा। गोविंद देव जी अभिधेय के विग्रह है, अगर भक्ति करनी है तो गोविंद देव का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और गोपीनाथ प्रियोजन के विग्रह है, अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो गोपीनाथ का शरण लेना पड़ेगा। और इन तीनों विग्रहों के लिए तीन गोस्वामियों का शरण लेना पड़ेगा। मदन मोहन के लिए सनातन गोस्वामी है हमारे संबंध के आचार्य, उनकी कृपा से मदन मोहन की सेवा मिलेगा तो भगवान श्री कृष्ण से हमारा रिश्ता जुड़ेगा। गोविंद देव के लिए आराध्य आचार्य है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधुओं को पढ़ेंगे, उपदेशामृत को पढ़ेंगे तो भगवान की भक्ति गोविंद देव भी हमारे को देंगे।
वैसे कहते भूमि देव शिक्षा गुरु है और मदन मोहन दीक्षा गुरु है और गोपीनाथ प्रयोजन के आचार्य हैं और वो हमारे को कृष्ण का प्रेम आचार्य किस गोस्वामी का शरण लेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि राधाकुंड में है रूप गोस्वामी की समाधि वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में है और मदन मोहन मंदिर के पीछे सनातन गोस्वामी की समाधि है आज भी इनका दर्शन कर सकते हैं जमुना महारानी जिसका दूसरा नाम है कालेनी वो वृंदावन में बड़ी खुश थी प्रसन्न थी तो अन्य भगवान की रानियों ने पूछा जमुना जी कृष्ण के जाने के बाद हमको तो उनकी जुदाई का विरह की पीड़ा जला रही है आप इतनी खुश कैसे हो जमुना महारानी ने कहा मैंने राधा रानी का शरण ले लिया है मैं राधा रानी की किंकरी बन गई हूं अब मैं रोज कृष्ण की लीला में प्रवेश करती हूं तो कहते हैं हमारे को भगवान श्री कृष्ण की लीला में रोज प्रसन्न प्रवेश करने का अवसर कैसे मिलेगा तो कहा कि भगवान का कोई प्यारा भक्त अगर भगवान की कथा सुनाएगा तो आपको और हम सबको भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होगा बोला शुद्ध भक्त कहां कैसे मिलेगा बोला शुद्ध भक्त मिलेगा भगवान के नाम का कीर्तन करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे ऐसे शुद्ध कीर्तन करोगे तो भगवान का भक्त मिलेगा तो ये कीर्तन कहां किया गया अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस धरती के ऊपर पहली भागवत कथा कहां हुई अभी तक आपने दो कथाओं का श्रवण सुना एक गंगा जी के तट के ऊपर चार कुमारों ने की नारद ने सुनी एक गोकर्ण ने की दो कथाएं लेकिन आज पहली कथा का अनुवाद कर रहे हैं कीर्तन कहां किया गया गोवर्धन की तलहटी में कुसुम सरोवर के पीछे अरे भाई पानी की इतनी आवश्यकता कैसे पड़ गई बोल रहा हूं मैं होना चाहिए प्यास मेरे को तो लगी नहीं आपको सुनते सुनते प्यास ज्यादा क्यों लगी लग सकती है हरे कृष्णा सुनना भी आसान नहीं है राजस्थान का क्षेत्र था मई जून के गर्मी का महीना था चूल्हे में लकड़ी के ऊपर पत्नी ने रोटी तैयार की सब्जी तैयार की पति देव आया तो परोस के एक हाथ से मुख में ग्रास दे रही है दूसरे हाथ से पंखा चला रही है खाने वाले पति को पसीना आ गया पूछती है पति देव गर्मी में चूल्हे के ऊपर रोटी मैंने बनाई खिला मैं रही हूं पंखा मैं झेल रही हूं आपको पसीना क्यों आ रहा है तो पति ने क्या कहा अरे चबा तेरा बाप रहा है चबाने से भी पसीना आता है सो व्यास देव ने भागवत को प्रकट कर दिया सुखदेव ने परीक्षक को सुक्ताल में सुना दिया सूत गोस्वामी ने नैम शरण्या में सनकादि ऋषियों को सुना दिया श्री प्रभुपाद ने उसको सरल भाषा में हमको उपलब्ध कर दिया और हम कथा सुना रहे हैं फिर भी आपको पसीना आ रहा है और पानी पी रहे
इसका मतलब सुनने में भी पसीना आता, इतना आसान काम नहीं। हरे कृष्णा। अभी तो ठीक है, आपका सेवा करना धर्म है, लेकिन दूसरे सेक्शन में जब आए सुबह या शाम, यहाँ पानी पड़ा होगा, अपनी बोतल साथ लेके बैठना, जब प्यास लगे तब पीना। और कथा में ऐसे ही उठना बात करना, उसमें एक तो कथा का और एक कथा वाचक का जाने अनजाने में अपमान होता है, क्योंकि कथा में एक शब्द भी अगर नहीं सुना, हो सकता है आपके काम का वही हो, थोड़ी समय में परीक्षक महाराज ने 7 दिन तक पानी और भोजन किया ही नहीं था, आपके साथ इतना जुलम हम नहीं करेंगे, आपको 2 बजे प्रसाद मिलेगा, थोड़ा सुन, थोड़ी तपस्या से सुनो। तपस्या सुनने में भी बहुत बड़ी तपस्या। अब तो अच्छा है, भगवान की कृपा से सबको चेयर मिली है, सोफा मिला है। एक महात्मा कहता था, हम बैठे हैं चौकी के ऊपर, हम तो हुए चौकीदार, आप बैठे हैं जमीन के ऊपर, आप हुए जमींदार। तो आप तो जमींदार हैं, हम तो चौकीदार हैं, लेकिन अब आप सभी चौकीदार हमारे साथ बन गए, तो 4 पाए वाली कुर्सी के ऊपर बैठे नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठ सकते, हम क्या कर सकते। वैसे एक महात्मा कहता, कुर्सी शब्द कहाँ से आया? बोला, खुर से शब्द आया, कुर्सी। खुर का मतलब, जैसे गाय को खुर होते हैं, भैंस को खुर होते हैं, घोड़े को खुर होते हैं, गधे को खुर होते हैं, ऐसे कुर्सी शब्द आया, खुर से। इसका मतलब उसके ऊपर बैठने के बाद आदमी पशु हो जाता है। कथा में नहीं, सरकारी कुर्सी के ऊपर बैठने वाला वो बिल्कुल कुर्सी उसके सर के ऊपर बैठ जाती है। तो कुर्सी पे बैठे वो जिस बेचारे का मेरी तरह घुटना ठीक नहीं है, चलना फिरना ठीक नहीं है, फिर तो ठीक है, नहीं तो जमीन के ऊपर बैठ के जमींदार बनो। ये देखो वृद्ध बाबा जमींदार बना हुआ है और ये बच्चे बच्चे सब चौकीदार बने हुए हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कहाँ कथा क्या कहा, क्या कह रहे थे बताइए, क्या बोला अभी हमने? आप नहीं बताएंगे तो यहाँ गोपाल जी बता देगा, तुलसी महारानी बता देंगे, क्योंकि ये कथा सुन रहे हैं। एक महात्मा ऐसे कथा आदि छोड़ के चले गए दूसरी जगह, कथा करके वापस आए तो लोगों ने कहा कथा करो। तो महात्मा ने कहा, पहले कहाँ छोड़ी थी, किसी को याद नहीं थी। महात्मा ने कहा, पहले याद नहीं है, दूसरी कहे गई करो। तब तक अंदर से भगवान गोविंद देव ने पुजारी को कहा कि महाराज को बोलो तुमने कथा यहाँ छोड़ी थी, इन्होंने नहीं सुनी, मैंने तो सुनी। और जब पुजारी ने यह किया तो महाराज ने कहा, कथा तो मैं गोविंद देव को सुना रहा हूँ और हम भी ये कथा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी और गोपाल जी और तुलसी महारानी और भागवत को सुना रहे हैं। आपके पास प्रसाद के रूप में कथा पहुंचेगी तो आपका भला करेगी, ये प्रसाद के रूप में कथा आपके पास आनी चाहिए। हरे कृष्ण। जमुना महारानी ने कहा कि कीर्तन करो, कहां कीर्तन किया गया? गोवर्धन की तलहटी में, कुसुम सरोवर के पीछे, और उस कीर्तन में उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव भगवान श्री कृष्ण का चाचा का लड़का भाई है, श्री कृष्ण का मित्र भी है, मंत्री भी है। उद्धव का देखने में कृष्ण जैसा सांवला और लंबा है, और उद्धव आज भी वहां रहते हैं, उद्धव कुंड के पास। किस रूप में रहते हैं? गुलम लता के रूप में रहते हैं, वृक्ष पौधे के रूप में रहते हैं। उद्धव जी ने प्रकट हुआ, सबने कहा कृष्ण कथा सुनाओ। अब उद्धव को कृष्ण कथा के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उद्धव तो श्री कृष्ण के साथ बचपन से रहे थे, चले थे, बैठे थे, उठे थे। कृष्ण कथा भागवत शुरू की उद्धव ने, भागवत का महात्म पूरा हुआ। परीक्षक महाराज को हस्तिनापुर से बुलावा आ गया कि महाराज राज में बहुत बड़ी संकट है, आप चलिए। महाराज ने कहा, मैं कब कथा सुनूंगा,
मेरे को कथा सुनने का सौभाग्य कब मिलेगा? उद्धव ने कहा आपकी कथा की व्यवस्था अलग की जाए, ये कथा भगवान के परिकर और पार्षदों के लिए है। उद्धव की कथा पूरी हुई, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बताओ कृष्ण की पत्नी को कितना सुख मिला होगा जब साक्षात श्री कृष्ण उस कथा में प्रकट हुए। यहां खेतपुरी गांव में नरोत्तम दास ठाकुर ने पहला गौर पूर्णिमा का उत्सव किया, उस कीर्तन में पंच तत्व प्रकट हुए साक्षात, सबने उसका दर्शन किया। और यही ऐसा आगे योग पीठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जब एक टाइम का खाके और 3 लाख जप कर रहे थे और कह रहे थे मेरे दोनों गुरुजनों ने मुझे आदेश दिया है, गौर किशोरदास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर ने, कि मैं प्रचार करूं, मेरे पास न पैसा है न मेरे पास कोई सेवा करने वाले सहायक है साथी है। रात को सोते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज देखते हैं कि 6 गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोरदास प्रकट होकर कह रहे हैं तुम प्रचार के लिए बाहर निकलो, तुम्हारे लिए असंख्य धन और लाखों सेवक तैयार बैठे। तो ये कीर्तन और भजन करने से पहले हमारे गए हुए आचार्य प्रकट होके आते हैं और भगवान वहां प्रकट हो गए। तब उस कथा में पूछा गया कि भगवान एक आशीर्वाद देना, बोला क्या आशीर्वाद चाहिए, बोला जहां आपकी भागवत कथा सुनाई जाए वहां भगवान आप प्रकट होके सुनने वालों को आशीर्वाद देना। और भगवान ने कहा तथास्तु। तो इसका अर्थ है यहां भी कथा हो रही है तो यहां भी भगवान प्रकट होंगे, आशीर्वाद देंगे, आप लेने के लिए तैयार रहें। लेने के लिए तैयार रहना, हरे कृष्णा, लेकिन आप तैयार कम लग रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कहीं भगवान यहां आकर कहे कि मेरे साथ चलो आपको ले चलता हूं बोलो धाम, तब तो हम कहेंगे हमारे कलकत्ते के काम का क्या होगा, भगवान आपका दर्शन हो गया, आप अपने गांव हम अपने गांव। भगवान आ भी जाए तो हम अब तैयार नहीं है, लेकिन वो तैयार थे, सबको नित्य लीला में प्रवेश मिल गया। और इसके बाद और भी थोड़ी महात्म की कथा बता देता हूं। ब्रह्मा जी ने आके श्री कृष्ण को कहा कि मुझे सृष्टि करने का रजोगुण का कार्य है, मैं आपकी भक्ति को कैसे अचल बनाए रखूं। भगवान ने कहा भागवत का पाठ किया करो। शंकर जी आए और कहा श्री कृष्ण मुझे तो संहार का तमोगुण का कार्य करना है, मेरी भक्ति कैसे अटल रहे। भगवान ने कहा भागवत का पाठ करते रहो। भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहा मुझे तो सबका पालन करना है, चोर का भी साध का भी, भले का भी बुरे का भी, सबको हवा पानी तो देना है, तो मेरी भक्ति कैसे पकी रहे। भगवान ने कहा आप भी भागवत का पाठ करो। तो भागवत का श्रवण और कीर्तन ब्रह्मा करता है, साधन में पूरी करता है भागवत, और फिर ब्रह्मा की पत्नी कथा करते हैं। भगवान विष्णु 1 महीने में कथा पूरी करते हैं और लक्ष्मी 2 महीने में करते हैं। शंकर जी तो साल भर कथा करते रहते हैं। अब आप देखिए जितनी वैष्णव संप्रदाय हमारी है वो रामानुज आचार्य की श्री संप्रदाय शुरू की है लक्ष्मी देवी ने, तो लक्ष्मी देवी भी भागवत पढ़ती है। और फिर ब्रह्मा जी हमारी संप्रदाय के आचार्य हैं, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के, ब्रह्मा जी रोज भागवत पढ़ते हैं। तीसरा किसको का भागवत पढ़ने का, शंकर जी को, शंकर रुद्र भाग संप्रदाय वैष्णव की जो
विष्णु स्वामी की है, श्रीपाद वल्लभ आचार्य की है, उसके उसके आचार्य वो भी भागवत पढ़ते हैं। एक संप्रदाय कुमार रह गई, कुमार भगवान बलराम जी से कथा सुनते हैं भागवत, वो भी भागवत, चारों संप्रदाय भागवत संप्रदाय। अब दो बातें कहता हूं इसमें से आपके लिए, अच्छी बातें ये है कि सुनने वाले अच्छे कौन से होते हैं। बोला एक होता है लीन श्रोता, लीन मतलब मछली जो पानी के बगैर रह नहीं सकती, अच्छा सुनने वाला कथा के बगैर रह नहीं सकता और आंख हमेशा मछली की खुली रहती, वो कथा में कथा करने वाले से आंख मिला के बैठता है। दूसरे श्रोता को कहते हैं हंस श्रोता, वो कथा में से सार सार भगवत तत्व को ग्रहण करता है और कुछ बातें जो समझाने के लिए की जाती है, जैसे हंस नील को खीर से अलग करता है, वो केवल भगवत तत्व को ही पकड़ के रखता है। तीसरे को कहते हैं सुख श्रोता, वो तोते की तरह जो सुनता है बात सबको सुनाता है। सुक्तमीना हंस और ऐसे अच्छे सुनने वाले जो नहीं है उनके भी तीन चार प्रकार है, लेकिन आपसे वो नहीं लगते हैं, आप चिंता मत करना। एक को नाम है ऊंट श्रोता। ऊंट श्रोता का अर्थ क्या है, ऊंट को आप खेत में छोड़ो ना तो कांटे खाएगा गेहूं नहीं खाएगा, ऐसे श्रोता क्या करते हैं, जो हंसी मजाक की बातें हैं वो कथा की याद कर लेते हैं और भक्ति की बातें भुला देते हैं, ये ऊंट श्रोता हो गए। एक होते हैं बैल श्रोता। बैल श्रोता का अर्थ क्या है, उसके सामने अंगूर डालो या भूसा डालो वो खाएगा, हाँ वाह 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 वाह, ऐसे श्रोता किसी भी कथा में जाए लेकिन हाँ बहुत अच्छा करते रहते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। एक श्रोता को कहते हैं भ्रूंड श्रोता। ये हिमालय में एक पक्षी होता है जो बीच बीच में जोर से बोलता है, ऐसे श्रोता बीच बीच में शोर करते हैं, बोलने लग जाते हैं। और एक चौथा भी श्रोता है, अब तीनों में एक एक रह गया, ये आपको ढूंढना है। यहां दोनों पुराणों का महात्मा पूरा होता है। अब हम आज के भागवत जो हमको ग्रंथ शुरू करना है उसका शुभारंभ अभी करते हैं और आगे की कथा शाम को करेंगे। आज विलंब हो गया था, 10 बजे से 12 बजे तक कथा होगी, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। अब ये जो कथा हम पढ़ने जा रहे हैं ये कहां हुई इसका भी सुन लो, ये हुई नैम शरण्या में। कहां हुई, और नैम शरण्या लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पे आज भी तीर्थ स्थान है जिसको चक्कर तीर्थ कहते हैं और इसको निमिष क्षेत्र कहते हैं, भगवान विष्णु का क्षेत्र है। यहां सूत गोस्वामी सनक आदि ऋषियों को कथा बताए। अच्छा, दूसरी कथा इसी के साथ जुड़ी हुई आपको सुनने को मिलेगी, वो कथा बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो सुन रहे हैं परीक्षित महाराज, बहुत से ऋषियों के बीच में। ये कथा कहां हुई, ये कथा हुई सुखताल में। कहां हुई, सुखताल में। आप में से किसी ने सुखताल देखा है, नहीं देखा, हरिद्वार देखा है। अच्छा, जब दोबारा कभी हरिद्वार जाओ तो मुजफ्फरनगर से सीधे हाथ के तरफ 25 किलोमीटर घूर के जाना तो आपको सुखताल का वो जगह मिलेगा
जहाँ सुखदेव महाराज आसन के ऊपर बैठे थे, बहुत बड़ा वट वृक्ष है और वहाँ कथा आज भी लोग भागवत वहाँ कराने जाते हैं। तो व्यास देव ने जो भागवत लिखी है उसमें पहले तीन श्लोक जो हैं उसको कहते हैं मंगलाचरण, भागवत का मंगलाचरण। मंगलाचरण का तीन उद्देश्य होता है, इष्ट देव को प्रार्थना, विषय वस्तु का निर्देश और आशीर्वाद, तीन चीज। और महान ग्रंथ में आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं, मैं पूरे भागवत में तीन मंगलाचरण है, पहला मंगलाचरण, मध्यम मंगलाचरण और अंतिम मंगलाचरण। तीनों में एक शब्द वही है और वही है इष्ट। वो क्या है? सत्यम परम धीमहि, बोलो। हमारी बुद्धि परम सत में लगे। अब ये परम सत कौन है इसको समझते हैं, तो आइए मंगलाचरण का पहला श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादि अस्य यतो अनव्यात् इतर्तस् च अर्थेषु अभिज्ञात् स्वरात् तेने ब्रह्म हृदा य आदि कवये मोह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोपम सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में गायत्री मंत्र है धीमहि, इस श्लोक में वेदांत सूत्र है जन्मादि अस्य, और इस सूत्र में परम सत्य है विषय वस्तु। भागवत का विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान के दो प्रकार के लक्षणों का वर्णन है इस श्लोक में। एक को कहते हैं स्वरूप लक्षण और दूसरे को कहते हैं तटस्थ लक्षण। असल में बात क्या है कि हम हैं पढ़ाने वाले और हम बोलते हैं कि आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए कथा को भागा दौड़ी नहीं करके समझाने का प्रयास कर। स्वरूप लक्षण का मतलब उसके बगैर वो अगर नहीं होगा तो वो बात ही नहीं होगी, और तटस्थ लक्षण का अर्थ है स्वरूप लक्षण को बताने के लिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, गोपाल अच्छा छात्र है, रोज स्कूल जाता है इसलिए अच्छे नंबर उठाता है। अब इसमें स्वरूप लक्षण क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण है रोज स्कूल जाता है, वो छात्र है तो रोज स्कूल जाएगा ना, रोज जाएगा तो अच्छे लक्षण नंबर लाएगा, तो तटस्थ लक्षण है अच्छे नंबर लाना। तो मुख्य क्या है? स्कूल जाना। तो यह मुख्य लक्षण है सत्यम परम, और तटस्थ लक्षण है उस भगवान के द्वारा सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, और वो भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, सब कुछ जानता है,
जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में पहले ही चारों वेदों का ज्ञान दिया और जिसकी माया को देख के बड़े बड़े ऋषि मोहित, देवता मोहित हो जाते हैं। और जैसे गर्मी में रेत में पानी दिखाई देता है, ऐसे इस दुनिया में लोग माया से मोहित हो जाते हैं। परंतु धामना स्वयं सदा निरस्त, लेकिन भगवान का नाम और धाम इन माया के तीन गुणों से परे है। भगवान व्यासदेव कह रहे हैं हम सबकी बुद्धि उस परम सत्य में लगे। अब हमारा आपसे ये प्रश्न है कि ये परम सत्य क्यों बोला? व्यासदेव ने बोलना चाहिए था कि हमारी बुद्धि श्री कृष्ण में लगे, ऐसे क्यों नहीं बोला? आपका क्या उत्तर है? हाँ जी बोलिए। सीधा श्री कृष्ण बोल दिया होगा तो फिर हमारे को इतना झंझट नहीं करना पड़ता। तो सत्यम परिधत्त परम धीमहि का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। लेकिन सीधा क्यों नहीं बोला? परमात्मा भी नहीं बोला, भगवान नहीं बोला। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने परम सत्य को बोला है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसका मतलब जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन व्यासदेव ने यह क्यों कहा? कृष्ण क्यों नहीं नाम लिया सीधा? क्योंकि उस कथा में सुनने वाले कुछ ज्ञानी भी थे, कुछ योगी भी थे, कुछ कर्मकांडी भी थे, इसलिए एक नाम लेने से विवाद हो सकता है। इसलिए कहा परम सत्य। परंतु वो परम सत्य कौन है? मध्यम मंगलाचरण में इसका पता लगता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मध्यम मंगलाचरण में दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में और दूसरे अध्याय के भी 26वें श्लोक में ये सत्यम कौन है इसका स्वयं व्यासदेव हमको बताते हैं। ये श्लोक गाया गया है मध्यम मंगलाचरण कहाँ है? 10-2-26 दसवां स्कंद दूसरा अध्याय 26वां श्लोक। ये कौन पढ़ रहा है श्लोक? ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, चंद्र, नारद, ये गर्भस्तुति का श्लोक है। मैं श्लोक पढ़ता हूं, आप देखिए। सत्यवृतम सत्यम परम त्रि सत्यम सत्यस्य योनिम न्यतम च सत्यै सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। कितनी बार सत्य शब्द है इसमें। ये किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? ये देवता देवकी के गर्भ में कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। इसका अर्थ सत्यम परम कौन है? श्री कृष्ण। हर समय सत्य है, अपने वचन को सत्य करने के लिए अवतार लेने के लिए आए। यह है मध्यम मंगलाचरण जो ये सिद्ध करता है परम सत्य श्री कृष्ण है। अब अंतिम मंगलाचरण में परम सत्य को सुन लीजिए। ये 12वें स्कंद का 13वां अध्याय है। स्कंद 12वां अध्याय 13वां और इसका श्लोक मैं समझता हूं 19 होना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्लोक हमने आपको कौन सा बोला? 19वां है, 12, 13, 19। अब मैं पढ़ रहा हूं श्लोक। कस्मै येन विभासितोऽयम् अतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तदरूपेण च नारदाय मुन्यहे कृष्णाय तदरूपिणम् योगिन्द्राय तदात्मनाथ
निर्मलम शोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। दोबारा शब्द है सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में भागवत की परंपरा बताई गई है। पहले भगवान ने जो ब्रह्मा जी को दिया, ये अध्यात्म ज्ञान का प्रतीक, ब्रह्मा जी ने ये नारद जी को दिया। नारदाय, नारद ने अपने शिष्य कृष्ण द्वापायन को दिया, उन्होंने अपने शिष्य योगेंद्र सुखदेव महाराज को दिया, जिन्होंने यो परीक्षक महाराज विष्णुराज को बताया वो क्या है। वो है शुद्ध विमल शोक रहित अमृत और क्या है सत्यम परम धीम। ये भागवत पुराण के तीन मंगलाचरण का पहले श्लोक का आपको भाव बताया। अब आइए हम वापस चलते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर। मंगलाचरण का दूसरा श्लोक, इसमें है विषु विषय वस्तु क्या है भागवत में, इसका भी आप मेरे साथ पाठ करो। धर्म प्रोजित कैटवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमल भागवते महामुनि कृते किं वा परै ईश्वर सद्या हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणा। भगवद गीता का अंतिम पूर्ण आहुति का श्लोक कौन सा? सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे को पापों से बचाकर मुक्ति दूंगा। और भागवत शुरू कहां से होता है? धर्म पुरोहित कई तवा। सारे वो धर्म जो संसार में हमको भटकाने वाले हैं उन सबको भागवत से निकाल दिया है। तो जहां गीता पूरी होती है वहां से भागवत शुरू होता है। कौन सा कैतव धर्म है? देखो, एक धर्म है स्वर्ग में जाने वाला, सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। अरे स्वर्ग में जाने का इतना अच्छा होता तो मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछ रहा हूं। किसी के घर में कोई मृत्यु होती है ना, तो चिट्ठी में क्या लिखते हो आप? बड़े दुख की बात है कि दादाजी का निधन स्वर्गवास हो गया। क्या लिखते हैं? बड़े दुख की बात है दादाजी स्वर्गवास सिद्धार्थ गए। तो स्वर्ग में अपने जाना सुख है या दुख है? अरे भैया ये क्यों लिखते हो? स्वर्ग में गया तो खुश हो ना, ये क्यों लिखते हो? दुखी की बात है। इसका मतलब स्वर्ग में जाना हमारा धर्म नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े मजहब ईसाई कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे। दूसरा दुनिया का बड़ा धर्म मुसलमान कहता है जन्नत में जाएंगे और हूरें मिलेंगी। और हमारे भी मूर्ख कहते हम सब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में सदा नहीं रह सकते। तेतं भक्त्वा स्वर्ग लोक विशालं हीन पुण्ये मृत्यु लोकं विचन्ति। स्वर्ग में जाओगे क्षण पुण्य पूरे हो गए वापस धरती पे आना पड़ेगा, कोई लाभ नहीं है। दूसरा ज्ञानियों का धर्म है, यह है कर्मियों का धर्म। कर्मियों का धर्म कौन सा? कर्मियों का धर्म कौन सा है? स्वर्ग में जाना।
नहीं चाहिए। ज्ञानियों का धर्म है ब्रह्म में लीन होना, नहीं चाहिए। अरे भक्तों का धर्म है वैकुंठ में जाना, वो भी नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? परम धर्म चाहिए। परम धर्म कौन सा है? कृष्ण प्रेम। कौन सा है परम धर्म? बोला कृष्ण प्रेम का उदाहरण क्या है? बोला जैसे गोपियों और राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया, ये है पांचवा पुरुषार्थ। महाप्रभु ने कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ वेदों में है, लेकिन भागवत में पांचवा पुरुषार्थ है प्रेम कुमार को मान। तो भागवत में परम धर्म है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, जो इन सब से ऊपर है। और फिर लिखा है विषय वस्तु क्या है भागवत में? कैतव धर्म नहीं है, परम धर्म क्या है? वैद्यम वास्तवम अत्र विष्णु सर्वधम, ये कल्याणकारी सबका कल्याण करने वाला है, शिवधम है। बोला कल्याण कैसे करेगा? बोला तीनों तापों को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, तापत्रियम उन्मूलनम, पीछे आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था हो रही है और रोटी देनी जा रही है और सेकने की भी सुगंध आ रही है। अब आप कथा सुन पाएंगे कि आपका मन उधर जाएगा। हरे कृष्णा, तापत्रिय कौन से है भाई? आप तापत्रिय बताओ कौन से है? जो भागवत सुनने से समाप्त हो जाए, कौन से तापत्रिय? आदि देवक, आदि भौतिक और अध्यात्मिक। आदि देवक का मतलब ये देवता लोग सुनामी बाढ़ और भूकंप, ये बहुत बड़ा सामूहिक कर्मों का फल है। सब करेंगे पाप तो आएगा कोरोना, देगा सबको ताप, ये दुनिया ने दे दिए। आदि भौतिक कौन से है? दूसरे प्राणी हमको तकलीफ दे, जैसे मच्छर है। आज तक इतनी दुनिया ने प्रगति की है लेकिन मच्छर खत्म नहीं हुआ। कितने मच्छर मार दवाएं निकली, सरकार ने कितना खर्चा किया लेकिन मच्छर नहीं मरा। अगरबत्ती जलाते हैं मच्छर मरता नहीं, दूसरी अगरबत्ती जलाते हैं भगवान आता नहीं है, दोनों काम ऐसे ही है। सबके घर में अगरबत्ती जलाते हैं भगवान आता नहीं और मच्छर जाता नहीं अगरबत्ती से। क्या है इलाज मच्छरों को भगाने का, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा तो सुन लीजिए, ये खून चूसने वाले दुनिया के इंसान मरने के बाद सब मच्छर बनते हैं। आपको मच्छर खत्म करना है तो खून चूसने वाले इंसानों को खत्म करना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा। तो भागवत सुनेंगे तो ईमानदार होने जाएंगे तो मच्छर कम हो जाएंगे। मच्छरों से मच्छर किसी की सुनता है? एक महात्मा था, रस्ते पे सोया हुआ था, राजा की सवारी आ रही थी। हटो, महाराज आ रहे। साधु ने बोला महाराज क्या होता है? बोले जिसका सब जगह आदेश चलता है, हुक्म चलता है। बोला महाराज से बात कराओ। महाराज का रथ आया, इसने कहा आप महाराज राजा हो? हाँ राजा हो ना। बोला आपकी सब बात मानते हैं? हम मानते हैं। बोला महाराज यहाँ मच्छर मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मच्छर को बोलो यहाँ से चला जाए। महाराज ने कहा मच्छर मेरी नहीं मानता है। बोले फिर किस बात की राजा हो? चलती तो तुम्हारी मच्छर के ऊपर भी नहीं। ऐसे बहुत से लोग अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन चलती मच्छर के ऊपर भी नहीं। और दूसरे तरफ मानसी गंगा है गोवर्धन में, वहाँ भगवान महादेव के रूप में वहाँ रहते हैं, उसको कहते हैं कौन सा महादेव है गोवर्धन में? चकलेश्वर महादेव। वहां हमारे सनातन गोस्वामी जप कर रहे थे, मच्छरों ने परेशान किया, गोस्वामी उठ के जाने लगे। शंकर जी ने कहा यहीं बैठ के भजन करो, हमें आपका कीर्तन अच्छा लगता है।
बोला मच्छर। शंकर ने कहा अरे मच्छरों जाओ यहां से, आज तक वहां मच्छर एक भी नहीं आए। तो भगवान की आज्ञा से मच्छर जाता है, राजा की आज्ञा से मच्छर नहीं जाता। ये तो एक मच्छर ने परेशान किया है, इंसान ने इंसान को सबसे ज्यादा परेशान किया। और इंसान में भी सगे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा दुख दिया। रोड के ऊपर शेर और हाथी ने कोई एक आधा कुचला या मारा होगा, लेकिन ये ट्रक वालों ने और गाड़ी वालों ने रोज के हजारों के रूप में मारे। तो खतरनाक शेर हाथी है या इंसान है? इंसान। और आदि देवक दुख कौन से हैं? अपने शरीर से बीमारी आए, मानसिक चिंता आए, ये सबको आती। ये तीनों ताप उन्मूलनम जड़ से निकल जाते हैं भागवत से। ये आशीर्वाद है। श्रीमद्भागवतम मुने कृते किम वा परै। ये तो भागवतम साक्षात नारायण ने व्यासदेव के द्वारा दिया है और शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। किम वा परै, और शास्त्र क्यों पढ़ोगे, क्या करोगे पढ़ के? जो सारे दुनिया के शास्त्रों में है वो सब भागवत में है, और कहीं जो नहीं है वो भी इसमें है। अब कहते ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्यते सुशोभित क्षणा। आपने भागवत सुनने का मन में विचार किया तो भगवान ईश्वर आपकी दिल में आकर सावधान होके बैठ जाएंगे कि मेरी कथा सुनने जा रहा है। तो भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। बोला फिर सब क्यों नहीं आते, सबके आने की इच्छा क्यों नहीं होती? तभी एक शब्द लिखा है अत्रकृति भी, जिसके कई जन्मों के पुण्य वो भी भक्ति जनित अज्ञात सुकृति जिसकी कठी हुई है वही भागवत सुनने आएगा। मेरा भाव मेरे भाइयों मेरी बहनों, भागवत वही भाग्यशाली सुनेगा जिसके कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं। सामान्य कोई सुन भी नहीं सकता है, इच्छा करे तो भी नहीं सुन सकता। अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं मंगलाचरण का, फिर आज की कथा को सुबह के सत्र को या विराम देंगे, शाम को फिर आगे की कथा करेंगे। निगम कलपत्रो गलितम फलम, पूरा नहीं पढ़ सकते, आधा आधा पढ़िए। अरे भाई आप उच्चारण करेंगे आपका हृदय पवित्र करेगा, ये ब्रह्म शब्द है। निगम कलपत्रो गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहो अहो रसिका भोई भाविका। निगम कलपत्र का मतलब वेद, निगम कहते हैं वेद को, कलपत्र कहते हैं जो आपकी सब इच्छाएं पूरी करे। और निगम का एक दूसरा अर्थ है जहां तक आसानी से नहीं पहुंचा जाए। जैसे कहावत है बड़े हुए तो क्या जैसे पेड़ खजूर। अब खजूर का पेड़ कितना बड़ा होता है, पंछी को छाया नहीं, उसके नीचे छाया तो होती नहीं है, फल लागे आती दूर और खजूर है बहुत ऊपर, और चढ़े तो हुए चकना चूर और ऊपर जाए तो सब हड्डी टूट जाएगी। तो ऐसे का क्या लाभ हो पेड़ का जिसमें आदमी दुनिया में भटक ना रहे, कभी स्वर्ग में जाए कभी ब्रह्म में लीन हो। अरे भाई उसका पका हुआ फल, जो पका हुआ फल भागवत है उसको सुन लो, इको ज्यादा है बेटा बोल ए हरे कृष्णा, उसको बोलो इको कम कर ले। बोला ये मीठा कैसे हो गया भागवत, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, फल पेड़ के ऊपर पका हो
और उसमें तोटा चूंच लगा दे तो मीठा हो जाता है। सुखदेव के मुख से भागवत जो निकली है ये अमृत हो गई। ये फल ऐसा है जो ऊपर से गिरा नहीं है, फटा नहीं है, पका हुआ है, इसमें छिलका भी नहीं है, इसमें गुठली भी नहीं है, ये रस है, इसको पियो। पीवत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पियो, ये रस है। कौन सा रस है? भक्ति का रस है। ये भक्ति के रस का अमृत है। कब तक पिए? मुंह बार बार पियो, जब तक जियो तब तक पियो। अरे पीने वाले कौन है संसार में? तो कहते हैं रसिक का एक है रसिक, जिनको रस का पता है, और दूसरा है भावुक, जिसके हृदय में भाव भक्ति प्रकट हो गई। तो रसिक किसको कहते हैं? बस ये उदाहरण देके अभी की कथा को विराम दे दो। ये गंगा जी आपके यहां बह रही है ना, एक आपको मटका देते हैं, उसमें 100 सोराख हैं, छिद्र हैं। हम आपको कहते हैं वो मटका भर के ला के दो। अब बताइए मटका कैसे भर के लाओगे? क्या करेंगे? मिट्टी का लेप लगाएगा भैया बोल रहा है। और मिट्टी लगाओ या सीमेंट लगाओ, 100 छिद्र भरोगे तब तक कोई ना कोई खुल जाएगा। वो मटका भरा रहे उसके लिए एक ही साधन है। क्या है? मटके को पानी में डुबा के रखो। अब पानी में मटका पड़ा होगा तो कहां से पानी जाएगा? तो रसिक उसको कहते हैं जो कथा में डूबे रहते हैं और उसके अंदर से दुनिया के लिए कोई सोरा की नहीं बचता है, वो पानी के अंदर पड़े रहते, कथा के रस में सदा डूबे रहते हैं, उसको कहते हैं रसिक। तो भगवान आपके हृदय में भागवत के रस का प्रभाव करे। इन शब्दों के साथ कथा को विराम देने से पहले, जो अब हमने तो बनाई है भक्ति का भवन, अब 5 मिनट करेंगे कीर्तन। आज का पहला पालिश हो जाने दीजिए। आप कीर्तन का 10 मिनट रसास्वादन कीजिए, तब तक आपके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। शाम को फिर 5 बजे कथा में आप सबका दर्शन के अभिलाषी रहेंगे। हरे कृष्ण।